कर रहे हैं ना, सुबह 10 बजे से अब तक कम इंतजार नहीं होता। आप लोग तो इसी रूम्स में बैठे हो, आप देखो कि किसान कैसे सड़कों पे तप रहा है, वो 4 बजे तक भी इंतजार कर लेगा, पर पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। मैं तो कल का दे रहे हैं जी, समय कल का दे रहे हैं, और सुबह के भी ये 5 मिनट करके अब 4 बजे तक का समय दे गए थे, अभी 4:06 हो गए। पता नहीं हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, पता नहीं हम बेवकूफ है, पता नहीं ये हम जी की बात हुई, कह रहे आ रहे हैं, बोल के तो यही गए कि 4 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक आए तो नहीं, फोन करके ही बोला था कि भाई हमको फिर जाना है या हम चलें, फिर अब उनके बोल करेंगे थोड़ा नहीं, अब तो जा रहे हैं, बस हमारे साथ ही आगे हम जा रहे हैं जी। तकरीबन 3 घंटे तक जो है बातचीत चलती रही, डीसी एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसान नेता इस समय बाहर आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, 3 घंटे से बातचीत चल रही थी, क्या कुछ निकला समाधान? कल का बेवकूफ बना रहा है, कोई बात प्रशासन के पास नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। अब भी हमारे को 4 बजे तक का समय दिया था, कभी 15 मिनट कभी 10 मिनट, अब डीसी भी यहाँ से चला गया, एसपी भी चला गया और नहीं आया, और हम साफ साफ कहते हैं अब हम कोई भी बात प्रशासन के साथ नहीं करेंगे, अब हम अगला फैसला मोर्चे की मीटिंग में लेंगे। आपको लगता है कि समाधान निकलना तो चाहिए लोगों की परेशानी को देखते हुए? अगर सरकार निकालना नहीं चाहती, निकला पड़ा, कहते हैं कि देने के लिए सरकार तय है, लेकिन घोषणा क्यों नहीं करते? सर आप निकालने के लिए राजी हैं बातचीत करने? बिल्कुल, हम तो सारे रास्ते दे रखे हैं, हम पागल को ही 11 बजे से बैठे हैं, 4 बज गए हैं, अगर हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं तभी तो बात के लिए आए थे, लेकिन मजबूर होकर अब हमारे को यहाँ से जाना पड़ रहा है, और अब हम वहीं पर अगला फैसला लेंगे। संजू गुंदियाना, जिला प्रधान यमुनानगर। कोई बात नहीं, जहाँ पर 4 दिन पहले थे वहीं पर आज तक वहीं पर बात अटकी हुई है, 4 दिन से एक ही बात है प्रशासन के पास, और कोई बात नहीं कि सरकार देना चाहती है लेकिन घोषणा नहीं करना चाहती। सिर्फ MSP की मांग करी थी तुमने? सिर्फ हमारी MSP की मांग है कि सरकार खरीद करे, और जो किसान है उनकी रिहाई की हम बाद में बात करेंगे, पहले MSP पर खरीद शुरू हो जाए। तो बिल्कुल, कुछ और किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। इस समय आप देखते हैं तकरीबन 3 घंटे से जो है यहाँ पर बातचीत चल रही थी, 3 घंटे से यहाँ पर बातचीत चल रही थी, लेकिन क्या कुछ समाधान हुआ है आप ये देख सकते हैं। इस समय प्रशासनिक पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो बातचीत है वो यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे से चल रही थी, लेकिन किसान अब इस समय नाराज होकर बाहर आ गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उनको समय पर रास्ता नहीं दे रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं जो प्रधान जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, 3 घंटे से बातचीत चल रही थी? ऐसा है जी, बातचीत चल रही थी और अब भी चल रही थी है, लेकिन उन्होंने अब ये कहा था अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर अब मीटिंग का दोबारा टाइम हो गया था, आने वाले थे, लेकिन हमारे साथी जो हैं ये थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे, कहते हमने अब करना नहीं, जब इन्होंने करना नहीं तो फिर हम क्यों करेंगे? लगता कि अगर थोड़ा समय अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल हो सकता था, लोगों की परेशानी हाँ बिल्कुल वेट करना चाहिए था मेरी समझ में, लेकिन अब ये गुस्सा खा रहे हैं तो भी नहीं करना, फिर हमें क्या जरूरत है? लेकिन अगर आपका भी समाधान हो जाए, लोगों की भी जो परेशानी है जाम से, हम इसीलिए मैं वही कह रहा था, अगर सभी की समस्या का हल हो जाए तो चलो डिले तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पेशेंस खो चुके रहे हैं। डीसी एसपी साहब कह रहे हैं कि हम आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में नहीं, अभी टाइम हो गया उनका आने का, शायद आ भी जाए, तो वेट कर देना चाहिए सर। सब हमारी मेरी तरफ से कर लेना चाहिए, लेकिन जितने हमारे बाहर साथी बैठे ना ये थोड़ा गुस्सा हो गए हैं, भाई समय ज्यादा लगा दिया। सर साथियों से भी बात की जाएगी ताकि कहीं ना कहीं समाधान जरूर होना चाहिए। चढ़ूनी जी क्या कुछ कहेंगे, समाधान होना चाहिए, थोड़ा समय तो देना चाहिए, लोग भी परेशान हो रहे हैं। समय तो कल का दे रहे हैं जी, समय कल का दे रहे हैं, और सुबह के भी ये 5 मिनट करके अब 4 बजे तक का समय दे गए थे, अभी 4:06 हो गए। पता नहीं हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, पता नहीं हम बेवकूफ है, पता नहीं ये हम जी की बात हुई, कह रहे आ रहे हैं, बोल के तो यही गए कि 4 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक आए तो नहीं, फोन करके ही बोला था कि भाई हमको फिर जाना है या हम चलें, फिर अब उनका बोल करेंगे थोड़ा नहीं, अब तो जा रहे हैं, बस हमारे साथ ही आगे हम तो जा रहे हैं जी, यहाँ से जो भी प्रशासन को बात करनी होगी आगे वहीं कर लेंगे। संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई इस बात से खफा है, बहुत टाइम लग गया। हाँ वो खफा है जी इस बात से थोड़ा सा, अभी सुबह के क्यों बैठे हो आप, अगर नहीं प्रशासन मान रहा तो आज, लेकिन हमको ये था कि शायद बातचीत चल रही है कि बन जाए, पर नहीं बन रही, क्या करें, बातचीत नहीं बन रही, जिसके चलते यहाँ से अब वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने समय दिया था, है हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, प्रधान जी वहाँ पे चलेंगे और सब लोगों के बीच में स्थिति को रखा जाएगा, उसके बाद जो स्थानीय कमेटी, टोल कमेटी है या सारे संगठनों के लोग, एसकेएम के लोग जो आए हुए हैं, सबसे मिलकर रणनीति बनाई जाएगी और अगली कॉल का ऐलान किया जाएगा। किसान नेताओं को बुलाकर खुद चले गए प्रशासन यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, उनको बोला कि आप थोड़ी देर वेट करें, हम अभी आपको बताते हैं, और वो लोग यहाँ से निकल गए। 4 बजे का समय दिया था, आपको लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए? सर सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं ना, सुबह 10 बजे से अब तक कम इंतजार नहीं,
नहीं होता। आप लोग तो इसी रूम्स में बैठे हो, आप देखो कि किसान कैसे सड़कों पे तप रहा है, वो 4 बजे तक भी इंतजार कर लेगा, पर पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। कहीं तो पॉजिटिविटी नजर आए तो क्या करेंगे इसमें? आप बार बार हम बातचीत करने के लिए यहाँ आने वाले नहीं है, सरकार को बातचीत करनी है तो धरने पे आ जाए और हमसे बातचीत कर ले। तो किसान नेता नाराज होकर यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय पिपली पैराकिट से आप देख सकते हैं। जो किसान है वो इस समय यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी देर से इंतजार किया जा रहा था, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस समय तमाम किसान नेता यहाँ से आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर जरूर खड़ी है, लेकिन किसान नेता यहाँ से इस समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान नेता पैराकिट से इस समय वापस जो है हाईवे पर पहुंच चुके हैं, धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अब परेशानी दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बातचीत काफी हद तक सिरे चढ़ गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ नाराज हो गए, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी देरी लगा रहे थे, जिसके चलते आप देख सकते हैं किसान नेता इस समय दोबारा से पिपली हाईवे पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे जहाँ किसानों ने जाम किया हुआ है वहां से इस समय आप देख सकते हैं 4 घंटे लगातार बातचीत चली। हालांकि जो स्थानीय एक लोकल कमेटी है वो सुबह से गई हुई थी, लेकिन अब 4 घंटे से मीटिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला। दूर में बैठे दिन रात बैठे हैं, कल से सरकार जो हमारे साथ ही हेराफेरी कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहा है, ये चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। हमारे कमेटी के साथी भी हमारे बीच में आगे संदेश लेकर के आए हैं। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या है सरकार, किस लिए बैठा के रखे हमारे साथियों को सुबह से लेके? अगर बातचीत करनी है दोहे बात तो है, हमारे किसानों को रिहा कर दो और MSP के ऊपर खरीद कर दोहे बात होंगी। इसमें कोई लंबे चौड़े मंत्र पढ़ने के में दो बात कहनी है मुख्यमंत्री का, अगर मुंह दुख है दो बात कह देनी, तो मेरे साथियों से निवेदन है भाई और आ जाओ, पूरे देश का किसान आपके साथ में है, सरकार का अलग में लाठी देनी पड़े है जब जाके सरकार मान है, और सरकार का अलग में लाठी जब आवा है, जब हमारी एकता बना है और यहाँ शहरों की संख्या हजारों में हो जाए। तो तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मीटिंग चल रही थी सुबह से वो सिरे नहीं चढ़ पाई, और दोबारा से जो किसान नेता है वो इस समय हाईवे पर चल रहे धरने पर पहुंच चुके हैं। नेशनल हाईवे अभी भी जाम है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद प्रशासन किसान नेताओं की बात मान लेगा, लेकिन नहीं मानी, जिसके चलते हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम किसान नेता है मीटिंग से उठकर यहां पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद जारी है कि शायद प्रशासन की तरफ से दोबारा से कोई बातचीत हो और नेशनल हाईवे पर लगा हुआ जाम खोल दिया जाए। लेकिन अब जानकारी मिली है कि अब SKM और स्थानीय किसान कमेटी की अब मीटिंग होगी, और स्थानीय किसान मीटिंग और सुस्त किसान मोर्चा की दोनों की मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा।